अगर तुम लोग भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो और तुम लोग चाहते हो कि तुम अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऑडियो भी ला सको, तो आज की वीडियो में तुम्हारा भाई बताएगा कैसे तुम लोग ये इनेबल कर सकते हो। सो अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। तो चलो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इसके लिए तुम्हें स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले तुम्हें चले जाना है अपने कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर में जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। अगर ये तुम्हारे में नहीं है तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें चले जाना है अपनी सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद तुम्हें जाना है यहाँ पे कंट्रोल सेंटर पे। कंट्रोल सेंटर पे जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे मिलेंगे यहाँ पे बहुत सारे, जैसे यहाँ पे अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को रिमूव कर देता हूँ। तुम्हें यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद तुम्हें बैक चले जाना है। उसके बाद तुम्हें इसे ऑन करना है। तुम लोगों को यहाँ पे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा, ये रहा। इसे तुम्हें क्लिक करके रखना है। फिर यहाँ पे माइक ऑफ या ऑन का ऑप्शन मिलेगा आपको। फिर यहाँ पे माइक ऑन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देना है। बैक चले जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे तुम्हें स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे टैप कर देना है और यहाँ पे तुम्हारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और तुम्हारी यहाँ पे वॉइस भी रिकॉर्ड होने लग जाएगी। फिर तुम्हें यहाँ पे ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग को भी कर देना है। स्टॉप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये रिकॉर्डिंग तुम्हारी सेव हो जाएगी। तो तुम लोग देख सकते हो, तुम्हें साउंड सुनाई दे रहा होगा, बट मेरा माइक खराब है फोन का, तो इसलिए तुम्हें साउंड सुनाई नहीं दे रहा होगा। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सन्नी कैप्चर के नाम से एक चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।